शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो ना मुझे भाभी कहता है। आप लोगों को ना सच में शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हुए? जैसी आप हैं वैसी आपकी सोच है। मेरे मामले में ताक झांक करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। सोचता हूँ अपने घर की टीवी ठीक ही करा लूँ मैं। कोई जरूरत नहीं, जब भी टीवी देखने का मन हो यहाँ आ जाया करो। अच्छा रोज रोज टीवी देखने यहाँ पर आया अगर तो शायद ही हम कभी टीवी देख पाएंगे। ऐसे आपके सास ससुर को एतराज भी हो सकता है मेरे से। मेरे सास ससुर की चिंता तुम मत करो, तुम तो बस मेरी फिक्र करो। आपकी फिक्र तो हमेशा रहती है मुझे। अच्छा चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। निर्मला, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। सुनते हो? हाँ। राशन लेने जा रहे हो ना, सब्जियां में ले आना, घर में सब्जी खत्म हो गई है। हाँ ले आऊंगा, लेकिन सुनो, योगेंद्र जितना पैसा देकर जाता है उसमें घर का खर्च नहीं निकलता है। बहू से कहना पड़ेगा जरा हाथ रोक कर चले, लेकिन न जाने आजकल वो किस धुन में रहती है, किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। घर की बत्तियां जलती रहती है, निभाना भूल जाती है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो समझाया करो उसे। हाँ क्यों नहीं पापा जी, आप लोग जिंदगी भर बस मुझे ही समझाते रहना। अगर अपने बेटे को समझाया होता ना तो वो इतना कमा पाता कि हमारी जरूरतें पूरी हो पाए। बहू, योगेंद्र कमाता तो है ना, 15-15 घंटे काम करता है वो। अच्छा, ऐसे 15 घंटे काम करने का क्या फायदा जब हमारे घर की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। खैर मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ये घर मिला है। जाने दीजिए, आप सब्जी लाने जा रहे हैं ना तो गाजर भी ले आइएगा। वो क्या है कि नवीन को गाजर का हलवा बहुत पसंद है तो मुझे उसके लिए बनाना है। आप जाइए ले आइए। हेलो, हाँ हाँ मैं आ ही रही हूँ, बस आ रही हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है इसलिए मार्केट जा रही हूँ। हेलो माँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ, और आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं बच्चा। और शोभा, वो तो कभी कॉल ही नहीं करती है। अरे वो फोन नहीं करती तो तुम फोन कर लिया करो। कोई एक पैर से अपाहिज हो ना तो वो चल फिर सकता है, लेकिन अगर दोनों पैर से अपाहिज हो तो कैसे चल सकता है? समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो मन बटाव है वो खत्म हो जाए। तुम मेरी एक बात मानोगे? क्यों नहीं मानूंगा माँ। तो फिर तुरंत एक रूम का बंदोबस्त करो और बहू को अपने साथ लखनऊ ले जाओ। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहुत दिनों से ना मन में ये बात चल रही थी इसलिए सोचा बोल दूं। जल्दी से जल्दी बेटा रूम का बंदोबस्त कर दो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। निर्मला ये लो सामान ले आया हूँ, किचन में रखवा देना। ये लीजिए बिजली का बिल आया है। हाँ मैं पानी ले आती हूँ। रुको रुको रुको,
अरे ये बिजली का बिल इतना कैसे आया? कितना आया है? अरे 10,370 रुपए। कैसे भरेंगे? बहू कहाँ है? बहू तो बाहर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे मैं तो दो दो बार देख के गई, फिर भी तुम नहीं समझे। नवीन तुम अंदर जाओ, मैं आती हूं। बहू, इतनी रात को ही फिर से आ गया, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता इस घर में पापा जी, तब तो आप कुछ नहीं कहते। ये बिजली का बिल आया है 10,370 रुपए, कैसे भरा जाएगा? तो इसमें मैं क्या करूं? अपने बेटे को कॉल कीजिए, पैसे मंगवाइए और भर दीजिए। मुझे क्यों दिखा रहे हैं? पुट्ठे बुढ़िया सो गए। वो दोनों सो गए और अब हम मजे करेंगे। तुम बैठो। फिर से सारी बत्ती ऑन है, इतना बिल आ रहा है, किसी को फिक्र ही नहीं है। टीवी देख रहा था पापा जी, पापा जी टीवी देख रहा था चाचा जी। पापा जी तुम चुप रहो। पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, पापा जी सुनिए तो सही। पापा जी, पापा जी मेरे पापा जी बात तो सुनो। अरे चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया। चुप। पापा जी दरवाजा खोलिए। पापा जी टीवी देख रहा था मैं चाचा जी। चुप। कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए चाचा जी। आज की बात अभी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चल क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।